हिंदी फिल्म जगत के दो मशहूर माने हुए फनकारों में जिनका शुमार है, ऐसे दोनों फनकारों की एक दूसरों के साथ जुड़ने की और अलग हो जाने की कथा आज की हमारी YouTube स्टोरी पर लाए हैं हम आप सबके लिए। दो फनकार कौन कौन? एक ऐसे गुलुगार जो बरसों तक जिन्होंने संगीत को चाहने वालों के दिलों पर राज किया, आज भी राज करते हैं और आने वाले दिनों में भी, जिनके गायकी के जादू की बातें हम करते रहेंगे, ऐसे जनाब मोहम्मद रफी साहब। और स्टार ऑफ द मिलेनियम जिनको कहा जाता है, ऐसे अभिनेता और एक्टिंग की दुनिया के माने हुए फनकार अमिताभ बच्चन साहब की बात करनी है दोस्तों आज उन दोनों फनकारों की एक दूसरे के साथ जुड़ने की और जुड़ाव अलग हो जाने की। वेस्टर्न जोन के गुजरात कच्छ बूथ से दिल से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों आज के हमारे थंबनेल पर आपने देखा होगा कि जनाब मोहम्मद रफी साहब द्वारा गाए गए एक गीत के साथ स्टार ऑफ द मिलेनियम अमिताभ बच्चन साहब के जुड़ाव की और उस गीत से जब अमिताभ बच्चन साहब को हटा दिया गया था, उसी स्टोरी को आज हम लाए हैं आपके लिए। दोस्तों हम सब जानते हैं कि अमिताभ बच्चन साहब ने अपने अभिनय का आगाज किया था साल 1969 में फिल्म सात हिंदुस्तानी से। साल 1970 में उनकी एक फिल्म आई, फिल्म का नाम था आनंद। 1971 में उनकी फिल्म आई परवाना प्यार की कहानी और रेशमा और शेरा। दोस्तों इन सभी फिल्मों पर अमिताभ बच्चन साहब दिखे थे या तो सपोर्टिंग कैरेक्टर पर और या तो दिखे थे ग्रुप एक्टर के तौर पर। अमिताभ बच्चन साहब उतने अभिनय के फील्ड पर कंसीडर नहीं किए जाते थे कि उनके नाम पर कोई इंडिविजुअल उनको फिल्म साइन करनी मिली हो। जी हाँ, हुआ था कुछ इस कदर कि साल 1970 में अमिताभ बच्चन साहब और रेखा जी को लेकर के एक फिल्म का आगाज हुआ था हीरो के तौर पर। फिल्म का नाम था एक था चंदर एक थी सुधा। फिल्म एक था चंदर एक थी सुधा जिसमें संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। इस फिल्म का बहुत सारा हिस्सा फिल्माया गया था और एक गीत भी इस फिल्म का पिक्चराइज हो चुका था। मोहम्मद रफी साहब और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक प्यारा सा गीत बनाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। ये चेहरा ये जुल्फें जादू सा कर रहे हैं तौबा तौबा। ये गाना पिक्चराइज हुआ था अमिताभ बच्चन जी और रेखा जी पर। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने बड़ा ही खूब संगीत, बड़ा ही मीठा सा गाना बनाया था इस गीत में। जब अमिताभ बच्चन जी और रेखा जी पर शूटिंग भी कंप्लीट हो चुका था, मुकम्मल हो चुका था, फिल्म के बहुत सारे हिस्सों को फिल्मा जाने के बाद फिल्म के प्रोड्यूसर और फाइनेंसर को ऐसा लगा, साल 1970 और 71 में अमिताभ बच्चन जी की साइड रोल वाली फिल्में जिन पे उनका कोई ऐसा हीरो वाला लुक प्रोड्यूसर को नहीं लगा था, फाइनेंसर को भी नहीं लगा था, और शायद ये फिल्म हिट नहीं हो पाएगी, ऐसा सोचकर इस फिल्म को पूरी तरह से बनाना रोक दिया गया। पूरी तरह बंद हो जाने के बाद फिल्म एक था चंदर एक थी सुधा
एक साल के बाद इस फिल्म का दोबारा प्रोडक्शन शुरू हुआ। फिल्म का नाम रखा गया दुनिया का मेला। इस फिल्म में भी अमिताभ बच्चन जी को ही लेने का प्रपोजल था, लेकिन उनको रिप्लेस कर दिया गया अभिनेता संजय खान को लेकर के। फीमेल कैरेक्टर में रेखा जी ही थी और वही गाना ये चेहरा ये जुल्फें जादू सा कर रहे हैं तौबा तौबा दोबारा पिक्चराइज किया गया। आवाजें थी जनाब मोहम्मद रफी साहब और लता मंगेशकर जी की। आइए देखते हैं इस गीत की छोटी सी झलक। तौबा तौबा फिल्म दुनिया का मेला जब संजय खान जी को ऑफर हुआ, उससे पहले ये फिल्म ऑफर की गई थी अभिनेता नवीन निश्चल जी को। नवीन निश्चल जी ने फिल्म दुनिया का मेला इसलिए रिजेक्ट कर दी कि उनका ये मानना था कि अमिताभ बच्चन जी के डेब्यू के कैरियर के आगाज में मैं नहीं चाहता कि किसी भी एक्टर की फिल्म ले ली जाए। तो नवीन निश्चल जी ने यह फिल्म का स्वीकार नहीं किया और संजय खान जी ने इस फिल्म पर अभिनय किया। ये वो दौर था कि जब दुनिया का मेला फिल्म 74 में 1974 में जब रिलीज हुई तो यह फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। दुनिया का मेला 1974 में जो पूरी तरह से फ्लॉप हो गई, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। साल 1974 में अमिताभ बच्चन साहब की चार फिल्में लगातार बेहद ही बड़ी हिट साबित हुई। फिल्म थी जंजीर, अभिमान, नमक हराम और सौदागर। दोस्तों ये तो थी अमिताभ बच्चन जी की फिल्मों के चलने की, लेकिन बात करनी है जनाब मोहम्मद रफी साहब द्वारा गाए गए इस गीत की। जनाब मोहम्मद रफी साहब ने इस गीत में इतना हाई लेवल का रोमांटिक एक्सप्रेशन अदा दिया है कि जो जादू सुनते ही बनता है। फिल्म फ्लॉप हो जाने के बाद ये गाना भी इतना पॉपुलर नहीं हो पाया जितना इस गीत को कामयाब होना था, पॉपुलर होना था। रफी साहब द्वारा और लता मंगेशकर जी द्वारा गाया गया ये गीत, जिस पर अमिताभ बच्चन ने अभिनय दिया था, ये गीत तो पूरी तरह से बंद हो चुका था, कहीं भी किसी को देखने को नहीं मिला था। लेकिन साल 1983 में एक फिल्म आई, फिल्म का नाम था फिल्म ही फिल्म। फिल्म बनने के पीछे और फिल्म कामयाब ना हो जाने के कारण जो कुछ फिल्में बंद रह गई थी, जो जिनका प्रोडक्शन रोक दिया गया था, ऐसी फिल्मों की कथा वस्तु के साथ ये फिल्म बनी थी फिल्म ही फिल्म। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन जी और रेखा जी द्वारा अभिनय किया गया ये गीत दोबारा रिलीज किया गया और लोगों को देखने के लिए ये हमें आज भी अवेलेबल हो पाया। कांधों पे रेशम से जुल्फों के ये साए, हाय हाय हरे जान चली जाए तौबा तौबा। एक था चंदर एक थी सुधा के लिए जो वार्डरोब तैयार किया गया था अमिताभ बच्चन साहब के लिए, उनके पूरे ड्रेसिंग्स के सूट्स, कहा जाता है कि आज के दौर पर एक फिल्मी अभिनेता एक्टिव है, उनको गिफ्ट के तौर पर फ्री ऑफ चार्ज दे दिए गए। दोस्तों ये तो थी आज की हमारी स्पेसिफिक स्टोरी, जब अमिताभ बच्चन जी को मोहम्मद रफी साहब के द्वारा गाए गए गीत से हटा दिया गया। बिल्कुल ऐसी ही नई कहानी के साथ फिर से रफी साहब को याद करने मिलेंगे नेक्स्ट हमारे एपिसोड पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वॉटर, सेव अवर मदर अर्थ।